हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम बहुत ही तरीके से, अलग अलग तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं जो आपको इक्वेशन गिवन होते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप की हो सकती है। देखिए, जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है हमें जो फैक्टराइजेशन करने के लिए मिलती है वो इन चार टाइप की ही हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और किसी भी टाइप से इक्वेशन नहीं होती। जैसे फर्स्ट हमारा टाइप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इन चार टाइप की इक्वेशन हो सकती हैं। अब हम हर एक टाइप की इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारा टाइप वन होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, यहाँ पर जो ये फोर लिखा होता है ये हमारे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होता है, इसे बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो ये फोर होता है इसे कॉफिशियंट ऑफ फोर बोलते हैं। और जो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर लिखा होता है इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। अब जब हमारी इक्वेशन इस टाइप की होती है, मतलब फर्स्ट टाइप वन की होती है, टाइप वन में ये होता है जब हमारा सी मतलब कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव होता है। जब हमारा कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे जो रूट्स आएंगे, जो हम नंबर्स लेंगे, जो फैक्टर्स लेंगे वो सेम साइन के लेंगे। मतलब या तो हम वो पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे या हम वो नेगेटिव नेगेटिव लेंगे। अब हमारे पास दो ही कंडीशन बनी, या तो हमें पॉजिटिव लेने या फिर नेगेटिव लेने हैं। अब हमें ये कैसे पता लगे कि हमें वो जो दो नंबर लेने हैं, जो फैक्टर्स करने हैं, वो प्लस प्लस वाले लेने हैं कि माइनस माइनस वाले लेने हैं, ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा। अगर हमारा जो x है इसका साइन पॉजिटिव है तो हमें प्लस प्लस वाले वो दो नंबर लेने हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, जब दो नंबर सेम साइन के होते हैं तो हम एडिशन करते हैं। अब जब दो नंबर अपोजिट साइन के होते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए, जैसे नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, इससे हमें ये पता लग गया कि हमारे रूट सेम साइन के होंगे, मतलब या तो वो पॉजिटिव वाले होंगे या फिर वो नेगेटिव वाले होंगे। फिर हमने देखा जो x है उसका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमें ये कन्फर्म होगा कि हमारे साइन पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, मतलब हमें जो नंबर लेने होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले नंबर लेने होंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे हमारी इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी थ्री एक्स प्लस थर्टी, ये जो इक्वेशन है ये टाइप वन वाली इक्वेशन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे आपको कोई इक्वेशन दी जाती है फैक्टराइजेशन के लिए तो सबसे पहले आपको देखना है क्या उसमें कुछ चीज़ कॉमन है। अगर कोई भी नंबर उसमें कॉमन है, जैसे हमने यहाँ पर देखा इसमें थ्री कॉमन है, देन वॉट वी विल डू, तो हम उसमें से जो नंबर कॉमन होता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ से थ्री कॉमन निकाल लिया तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस टेन। अब हमारी इक्वेशन ये बन गई, मतलब जिसके हमें फैक्टर करने हैं, अब वो इक्वेशन ये है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इससे हमें समझ में आता है कि हमारे जो हमें दो नंबर लेने हैं, मतलब जो इलेवन एक्स के दो फैक्टर करने हैं, वो हमें कौन से नंबर लेने होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले नंबर लेने होंगे। अब सेकेंड नंबर पे क्या करना होता है, जो इसका कॉफिशेंट होता है जो कि यहाँ पर वन है, इसको हम टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन इंटू टेन, तो टेन आता है। हम टेन के ऐसे फैक्टर करते हैं, अब देखिए टेन के कोई टू फैक्टर करते हैं, टेन के फैक्टर होते हैं तो फाइव इंटू टू टेन हो जाएगा और टेन इंटू वन टेन हो जाएगा। ये दो फैक्टर हैं और तो कोई फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि हमें वो दो नंबर लेने हैं, हमारे पता था पॉजिटिव पॉजिटिव साइन के लेने हैं। अब किन दो नंबर को ऐड करने पर इलेवन आ रहा है, देखते हैं। फाइव और टू को जब हमने ऐड किया तो हमारा आता है सेवन। वन सेकेंड, ओके, तो हमने टेन के फैक्टर किए फाइव इंटू टू और टेन इंटू वन। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, हमें पता था कि दोनों को ऐड करके हमारा इलेवन आना चाहिए। अब देखते हैं, अगर हमने फाइव और टू को ऐड किया तो सेवन आता है, मतलब ये वाला फैक्टर हमें नहीं लेना है। टेन और वन को ऐड करने पर हमें इलेवन मिल जाता है, मतलब जो हमारे फैक्टर हैं वो होंगे टेन और वन। तो जो हमारा इलेवन एक्स था इसे हम रिप्लेस करेंगे टेन और वन से। हमने लिखा एक्स स्क्वायर, हमने एज इट इज़ लिख दिया और इलेवन एक्स की जगह हमने लिखा टेन एक्स प्लस एक्स प्लस टेन। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिला हमें, एक्स, हमने एक्स कॉमन ले लिया तो बचता है एक्स प्लस टेन।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने ऐसे वन बाहर लिख दिया, इनको ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारे पास एक टर्म ये वाली हो जाती है, एक टर्म ये वाली हो जाती है। इन दोनों टर्म में हम देखते हैं x प्लस टेन कॉमन है, ये हमने x प्लस टेन कॉमन निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा हमारा? x प्लस वन, ये हमारा अंदर बचता है। अब देखिए, अब थ्री हमारा पहले से बाहर था, x प्लस टेन और x प्लस वन। फैक्टराइजेशन में आपके हमेशा ब्रैकेट्स में ऐसे आने चाहिए, अगर बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे प्लस आया, तो ये फैक्टराइजेशन नहीं। यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखी होती है, यहाँ पे कोई इक्वेशन, मतलब जो ब्रैकेट्स होते हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही आना चाहिए, तो आपका फैक्टराइजेशन होता है। ये हमारा टाइप वन का फैक्टराइजेशन है। अब हम देखते हैं टाइप टू का कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए, हम टाइप टू देखते हैं। टाइप टू में हमारा होता है, यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन ही होता है, बट यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हमें कैसे करना है? जब हमारा यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि हमारे सेम साइन के दो नंबर्स लेने होंगे। अब जब हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इससे हमें ये पता लग जाए कि वो जो, या तो देखिए मैंने बताया था, जब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है तो या तो प्लस प्लस वाले दो नंबर लेने हैं या फिर माइनस माइनस वाले दो नंबर लेने हैं। अब यहाँ पर माइनस है, तो मतलब हमें माइनस माइनस वाले दो नंबर लेने हैं, ये वाले नहीं लेने हैं। माइनस माइनस वाले दो नंबर लेने मतलब एडिशन ही करना रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे इक्वेशन है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। नाउ हमने देखा यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो सेम साइन के होने चाहिए, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर नेगेटिव है, तो मतलब हमारे दोनों नंबर नेगेटिव साइन के हमें लेने रहेंगे। अब यहाँ पर तो वन है, वन और सिक्स का मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आया। अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो हम उसका मल्टीप्लाई करते, तो हमने वन और सिक्स का मल्टीप्लाई किया तो हमारा सिक्स आया। अब हम सिक्स के फैक्टर करते हैं, एक तो सिक्स इंटू वन हो सकता है, एक थ्री इंटू टू हो सकता है। अब हमें क्या पता था, हमें दो नंबर सेम साइन के मतलब माइनस माइनस के लेने हैं। अब दो नंबर सेम साइन के होंगे मतलब उनका एडिशन करने पे आएगा, तो सिक्स और वन को ऐड किया तो सेवन आता है, मतलब ये हमें नहीं लेना है। थ्री और टू को ऐड किया तो क्या मिल जाता है हमें? फाइव मिल जाता है। ठीक है, अब मतलब हमें जो हमारे दो नंबर्स हैं वो थ्री और टू होंगे, वो किस साइन के होंगे? माइनस थ्री और माइनस टू। अब जो हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसमें हमने इस वाले बीच वाले नंबर को हमें फैक्टर करने मतलब इसको फैक्टराइज कर देना है, तो माइनस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स में विद साइन लिखना है। ठीक है, तो अब इस एक हमारी ये वाला, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारा बचता है x माइनस थ्री। अब इसमें से हमें देखते हैं, तो हमने माइनस टू कॉमन लिया, तो हमारा हो जाएगा x माइनस थ्री। अब हमारी एक टर्म तो ये वाली हो जाती है, एक टर्म ये वाली हो जाती है। इन दोनों टर्म में से हमने देखा x माइनस थ्री कॉमन है, हमने x माइनस थ्री कॉमन निकाल लिया, तो देखिए ये तो चला गया पूरा, तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस टू। अब हमारे जो फैक्टर बन के आए वो आए हैं x माइनस थ्री और x माइनस टू, ये हमारे इस इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी के सिक्स के फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं टाइप थ्री, टाइप थ्री को कैसे करते हैं। ओके, नाउ अब हम टाइप थ्री पे आ जाते हैं। जो हमारी टाइप थ्री की इक्वेशन होगी उसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। देखिए, जो हमारी टाइप वन की थी उसमें भी यहाँ पर पॉजिटिव था और टाइप टू में भी यहाँ पर पॉजिटिव था। जब भी हम यहाँ पर नेगेटिव साइन देखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे जो दो नंबर लेने हैं उसमें से हमें एक पॉजिटिव नंबर लेना है, एक नेगेटिव नंबर लेना है। अब कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है, ये हमें यहाँ से देख के पता लग जाएगा। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो हमें बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव साइन का होगा और जो छोटा नंबर होगा वो नेगेटिव साइन का होगा। अब इसे एक इक्वेशन से समझते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस फोर। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसे नेगेटिव साइन को देखते ही हमें समझ जाना है कि जो हमारे दो नंबर होंगे उसमें से एक पॉजिटिव साइन होगा, एक नेगेटिव साइन होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करके आना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें उसके बाद क्या करना होता है, हमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है थ्री और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है फोर, उनको मल्टीप्लाई करने हैं। हम साइन का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वी ओनली मल्टीप्लाई ए एंड सी, ओनली मल्टीप्लाई कॉफिशेंट नॉट द साइन। तो थ्री और फोर का मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व आता है। ठीक है, अब हमने ट्वेल्व के फैक्टर करने स्टार्ट किए, थ्री इंटू फोर, सिक्स इंटू टू और ट्वेल्व इंटू वन, तीन फैक्टर होते हैं और तो कोई फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं कि अब देखो हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन का लेना है, मतलब दो अपोजिट साइन हो गए, मतलब सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर लो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर इलेवन आता है, थ्री और फोर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वन आएगा, सिक्स और फोर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फोर आएगा, अब ट्वेल्व और वन का सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा इलेवन मिल जाता है। अब हमें पता लग गया एक नंबर ट्वेल्व है, एक नंबर वन है। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, मतलब प्लस का ट्वेल्व होगा और माइनस का वन होगा।
अब हमने 11x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लस का 12x और माइनस का x, x का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक डिजिट ये वाली, इसमें से हमें 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचता है x प्लस 4। अब एक हमारा टर्म ये वाला, इसमें से हमने माइनस 1 कॉमन ले लेना है, तो हमारा बच जाएगा x प्लस 4। अब एक टर्म ये वाली हो गई, एक टर्म ये वाली हो गई, इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन है, हमें x प्लस 4 कॉमन निकाल लिया। अब हमारा बचता है 3x माइनस 1, तो हमारे फैक्टर हो जाते हैं 3x माइनस 1 और x प्लस 4। हमें यहाँ पर सेम बनाना होता है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपको जैसे यहाँ पर सेम कैसे आएगा, अगर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँ तभी दोनों नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर सेम बनाना होता है, ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है। ये तो था हमारा टाइप 3, नाउ वी विल मूव द टाइप 4। ओके, अब हम हमारा टाइप 4 देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट है। इसमें क्या होता है, देखो टाइप 3 में भी यहाँ पे नेगेटिव था, टाइप 4 में भी नेगेटिव है। जब भी यहाँ पर नेगेटिव हो, हमें समझ जाना है कि दो नंबर लेने हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दोनों नंबर अपोजिट साइन के हैं, तो इससे हमें ये पता लगता है कि सबट्रैक्शन होना है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन का नंबर आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़ा वाला नंबर आपका नेगेटिव होगा और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। देखिए, ये मैंने थोड़ा बाई मिस्टेक गलत लिख दिया, यहाँ पर माइनस है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। जो भी यहाँ पर साइन होता है बड़े वाले नंबर का, वही साइन होता है। अब जैसे एक इक्वेशन है, इससे समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54, ये हमें इक्वेशन दी हुई थी, इसके हमें फैक्टर करने थे। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर तो 1 है, 1 और 54 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 54 ही आता। अब जो हमारा 54 है, इसके हमने फैक्टर किए तो 6 इंटू 9 हो जाएगा और 27 इंटू 2 हो जाएगा, दो फैक्टर बन गए। अब हमें पता है कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, मतलब सब्ट्रैक्शन है। अब देखते हैं, 609 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिल जाएगा ना, तो मतलब ये वाला सही है। 27 और 2 में अगर हम सब्ट्रैक्शन लगाएं तो 25 मिलेगा, तो मतलब ये वाला नहीं आएगा। अब हमें पता लग गया कि दो नंबर 6 और 9 लेने, अब कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है, ये हमें यहाँ से देख के पता लगता है। यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है, मतलब बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। हमने वही किया, 9x हमने नेगेटिव लिया, 6x हमने पॉजिटिव लिया। अब इन दोनों में से x कॉमन है, हमने यहाँ पर x कॉमन निकाल लिया, हमारा बचता है x माइनस 9। अब इन दोनों में से हमने 6 कॉमन लिया, हमारा यहाँ पर बचता है x माइनस 9। अब हमारी एक टर्म ये वाली हो जाती है, एक टर्म ये वाली हो जाती है, इन दोनों टर्म में से हमने x माइनस 9 कॉमन निकाल लिया, तो हमारा बच जाता है x प्लस 6। तो ये हमारे इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाते हैं। हम एक दूसरी इक्वेशन से भी इसको बहुत ईजी, आप कितनी भी कोई सी भी इक्वेशन सॉल्व कीजिए, इनसे बड़ी आराम से हो जाएगी। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि c का कॉफिशेंट कैसा है। अगर जो हमारा सी है, सॉरी जो सी कॉफिशेंट है, जो कॉन्स्टेंट है, अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो मतलब हमें सेम साइन के दो नंबर लेने हैं, और अगर जो हमारा बी है उसका साइन पॉजिटिव है तो हमें दो नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लेने हैं, अगर नेगेटिव है तो दो नंबर नेगेटिव नेगेटिव वाले लेने हैं। अब दोनों नंबर सेम साइन के लेने हैं, इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि उनका एडिशन करने के बाद ही आएगा। अब अगर सी का साइन नेगेटिव है तो हमें एकदम से माइंड में आना चाहिए कि हमें दो नंबर प्लस और माइनस वाले लेने हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे क्या होगा हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नेगेटिव साइन था तो हमें पता लग गया कि सब्ट्रैक्शन होना है, तो हमने जो c होता है और जो a होता है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया। 10 के फैक्टर देखिए, 5 और 2 10 इंटू 1 होता है। अब सब्ट्रैक्शन होना है ना, प्लस और माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन के नंबर लेने हैं तो सब्ट्रैक्शन होना है। अब जो दो आपने फैक्टर आपने नंबर चूज़ किए हैं उसमें देख लीजिए कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है, 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिल जाएगा, 10 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 9 मिलेगा, तो मतलब ये नंबर नहीं होगा। अब 5 और 2 में उसे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, यहाँ पर माइनस है तो मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, जो छोटा वाला नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऐसे हमने माइनस 5x प्लस 2x लिया, फिर इसमें से कॉमन निकाला, तो ऐसे कोई भी इक्वेशन हो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी मेथड है किसी भी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो उतना इसे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें हम बहुत छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालें। मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना इस तरीके से सिखाऊंगी, आप नंबर को देखते ही स्क्वायर रूट उसका बता देंगे, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।